चलो शुरू करते हैं अब आगे की कृति। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दे गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। नीचे कुछ नाम दिए हैं और ऐसे नामों से उन बच्चों को क्यों बुलाया जाता होगा ये आपको लिखना है। पहला नाम है गप्पू। नाम से ही पता चलता है जो ज्यादा गप्पे लड़ाता हो, जो ज्यादा बातें करता है उसे कहेंगे हम गप्पू। दूसरा नाम है भोली। जो बहुत सीधी सादी हो, दिखने में भोली हो। अगला नाम है छुटकी। जो घर में सबसे छोटी हो, दिखने में सबसे छोटी हो। जो सबसे छोटी है उसे कहेंगे हम छुटकी। अगला नाम है गोलू। जो गोल मटोल हो। अब बढ़ते हमारे अगली कृति की तरफ। अब बता तुम्हारा कौन सा दोस्त या कौन सी सहेली। भक्कू है, जक्कू है, गप्पू है। भक्कू का मतलब हमें पता है, जो है बात बात पर भड़कने वाले। जक्कू झगड़ालू। गप्पू जो ज्यादा बातें करते हो। अब देखते हैं मेरे कुछ दोस्तों के नाम जो है भक्कू। मेरे तो दोस्त जो बात बात पर भड़क जाते हैं, ऐसे तो दोस्तों के नाम है राहुल और बबलू। राहुल और बबलू दो दोस्त बात बात पर भड़क जाते हैं। और कुछ दोस्तों के नाम जो है झक्कू। झक्कू मतलब झगड़ालू। मनोज सचिन ये मेरे दोस्त है, बहुत ही झगड़ालू। गप्पू है जो बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, बकबक करते रहते हैं, वो है विकी और रविंद्र। ये दो दोस्त मेरे बॉस बहुत गप्पू है, बहुत सारे बातें करते रहते हैं। अब आपको भी आपके दोस्तों के नाम लिखने हैं जो है भक्कू झक्कू और गप्पू आपको लिखने हैं। अब है कविता का समय। चलो तैयार करते हैं एक अच्छी सी कविता। हमें खाली स्थान भरने ताकि तैयार हो एक अच्छी सी कविता। कक्कू वो जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आपको भरना है यहाँ पे। चिड़िया के संग गाना आपको भरना है। संग मोर के आपको खाली जगह भरना है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको आपको भरना है। ठीक है, खालिस्तान भर के मैंने तैयार की है ये कविता। कक्कू वो जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए। चिड़िया चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के वो नाचे। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको गक्कू। ये कविता बनाई गई है खाली जगह भर के। आपको भी इस खाली जगह में कुछ अलग शब्द भरने हैं और बनानी है अच्छी सी और एक कविता।